अगर आपको फिलोडेंड्रन प्लांट्स पसंद है तो आप अकेले नहीं है, क्योंकि इन प्लांट्स की जो खासियत है उसके कारण बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं और ये काफी वैरायटीज में आते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं अलग अलग शेप कलर साइज में आती हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। इनकी रोबस्ट ग्रोथ होती है, अच्छे से ग्रो करते हैं और हार्डी प्लांट्स होते हैं। इनकी केयर करना आसान है, प्रोपेगेशन करना बहुत आसान है, तो इसीलिए ये काफी पसंद किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि फिलोडेंड्रन प्लांट्स जो कि आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं और उनकी केयर किस तरह से की जाए और उनकी कौन कौन सी पॉपुलर वैरायटीज अवेलेबल हैं। इनकी ऐसे देखा जाए तो 450 से ज्यादा 450 से भी ज्यादा वैरायटीज मिलती है, लेकिन हम लोग कुछ पॉपुलर वैरायटीज के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। फिलोडेंड्रन प्लांट्स साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं और ये जो प्लांट्स होते हैं इन मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और इन प्लांट्स के जो केयर टिप्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं कि फिलोडेंड्रन प्लांट्स की केयर किस तरीके से की जाए। फिलोडेंड्रन प्लांट्स को मेंटेन करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टू हैंडल है। और अगर हम एक बार ये जान लेते हैं कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है तो हम लोग अच्छे से सभी वैरायटीज को लगा सकते हैं और अपने घर में हेल्दी प्लांट्स रख सकते हैं। इन प्लांट्स को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, पोरस सॉइल चाहिए जिसमें कि पानी इकट्ठा ना हो और अगर पानी इसमें खड़ा रहेगा तो रूट्स खराब हो जाएंगी, तो इसलिए ड्रेनेज होल वाले पॉट में इनको अच्छे से पोरस सॉइल में रखिए। और फर्टिलाइजर की इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी नेचुरल फर्टिलाइजर हम इनमें यूज कर सकते हैं। जब बात आती है वाटर रिक्वायरमेंट की तो ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो 2 इंचेस ड्राई आउट हो जाएगी तब हम इसमें पानी देंगे। येलो लीव्स होना इसका साइन है कि ओवर वाटरिंग हो रही है और जब लीव्स की ब्राउन टिप्स हैं तो इसका मतलब कि ये प्लांट्स अंडर वाटर्ड है। ये प्लांट्स इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में इन्हें नहीं रखना है या फिर जो दोपहर की तीखी धूप है उसमें नहीं रखना है। 2 घंटे हम लोग इनके मॉर्निंग की धूप दिखा सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट अगर रहेगी तो बहुत अच्छे से ये प्लांट इनडोर या आउटडोर में भी अच्छे चले। फिलोडेंड्रन प्लांट्स को हायर ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, ह्यूमिडिटी हम लोग इन्हें किसी तरीके से प्रोवाइड करवाते रहेंगे जैसे कि मिस्टिंग के थ्रू, ह्यूमिडिफायर के थ्रू या फिर इन प्लांट्स को पास पास रखेंगे ताकि एक दूसरे से इन्हें ह्यूमिडिटी मिलती रहे। ऑलमोस्ट सभी फिलोडेंड्रन प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, इनके पत्ते बच्चों और पेट्स से दूर रखने चाहिए, वो कंज्यूम नहीं करें क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ पॉइजनस एलिमेंट्स रहते हैं। अब हम देख लेते हैं फिलोडेंड्रन प्लांट्स की वैरायटीज को जो कि हम लोग खरीद सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। फिलोसेटिन पोथोस, लीफ के ऊपर सिल्वर लाइंस जैसी इसमें रहती है और इन प्लांट्स को क्लाइम करना पसंद है। एरियल रूट्स पाई जाती हैं और मोस्टली ये हैंगिंग बास्केट्स में रखे जाते हैं। मूनलाइट फिलोडेंड्रन एक स्लो ग्रोइंग एवरग्रीन प्लांट है, काफी अट्रैक्टिव सिल्वरी ग्रीन और ओवल शेप्ड इसकी लीव्स रहती हैं। फोलियज ब्यूटी के लिए इसे लगाया जाता है। एलिफेंट ईयर, बोल्ड टेक्सचर और बड़े बड़े लीव्स के लिए ये फेमस है और किसी भी गार्डन या कंटेनर को ये बिल्कुल एकदम अच्छे से फ्लॉन्ट करता है। इसे ग्रो करना भी काफी सिंपल है, फिल्टर्ड सन शेड इसे पसंद है, मॉइस्ट सॉइल चाहिए। दूसरे एरोइड्स की तरह फिलोडेंड्रन स्क्वेमिफेरम, इसकी भी एरियल रूट्स होती हैं और ये अपने आप को नेचुरली अटैच कर लेता है किसी भी ट्री से या वॉल से जिसके पास ये रहता है और क्रीप करके लाइट की तरफ बढ़ता रहता है। इसकी लीव्स का स्ट्रक्चर एकदम यूनिक है और फिलोडेंड्रन मेजेस्टी ये भी एक ग्रेट फिलो प्लांट है और जो इसकी नई लीव्स आती हैं बरगंडी होती हैं और उसके बाद में ये धीरे धीरे करते हुए मैट ब्लैक हो जाती है और ये प्लांट भी एरियल रूट्स के साथ ही आता है। फिलोडेंड्रन ट्रिपेटिटम काफ़ी एग्रेसिव और रेयर एरोइड है, इसकी लीव्स पर 3 शाइनी लोब्स होते हैं और बहुत ही विग्रस इसकी ग्रोथ होती है। लीव 6 to 12 inches लॉन्ग जाती है, कलर इसका ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन तक जा सकता है। लेसेरम फिलोडेंड्रन ये भी दूसरे फिलोडेंड्रन प्लांट्स की तरह ही एक फॉलिएज ब्यूटी वाला प्लांट है। इसके जो पत्तियां होती है साइड में इन पे कटवर्क होता है,
डार्क ग्रीन कलर की शाइनी लीव्स रहती हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी कंटिन्यूस रहती है। बिग साइज के लीफी प्लांट्स के लवर्स को ये प्लांट बहुत पसंद आता है। मोस्ट कॉमनली ये स्टेम कटिंग से प्रोपेगेट किया जाता है और इसको प्रोपेगेट करना भी काफ़ी आसान है। फिलोडेंड्रन ग्लोरियोसम बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट शेप डीप ग्रीन लीव्स का ये फिलोडेंड्रन प्लांट है। अपने नाम के अकॉर्डिंग ही ये काफ़ी ग्लोरियस प्लांट है। वेलवेटी लीव्स इसकी रहती हैं और वाइट कलर की वेन्स इसमें आपको दिखती हैं। फिलोडेंड्रन मायोई ये एक यूनिक और अनयूजुअल सा प्लांट है जो कि अपने लीव्स की अनोखी शेप्स के कारण जाना जाता है। उसके फ्लैट स्टेम होता है और जो लीव्स होती हैं वो रिजेंबल करती है फिश बोन को। फिलो फ्लोरिडा घोस्ट ये एक काफ़ी रेयर एरोइड है और आमतौर पर देखने में नहीं आता। ये दो फिलोडेंड्रंस को मिला करके हाइब्रिड वेराइटी है। इसकी जो लीव्स होती है मल्टी लोब्ड होती है और सरप्राइजिंगली ग्लॉसी वाइट कलर में निकलती हैं। उसके साथ में ग्रीन कलर मिक्स रहता है। येलो और ग्रीन वाइट की ब्यूटीफुल शेड्स इसमें देखने को मिलती हैं। किसी भी पॉट को ब्यूटीफाई करने के लिए एक परफेक्ट क्लाइंबिंग प्लांट है। येलो बर्ल मार्क्स जिसका नाम बर्ल मार्क्स नाम के एक आर्किटेक्ट के नाम पे रखा गया है, उन्होंने ही इसे सबसे पहले मॉडर्न लैंडस्केप डिजाइंस में यूज़ किया था। ये एक लो ग्रोइंग श्रब जैसा प्लांट है। हार्ट शेप इसकी लीव्स होती हैं लेकिन नैरो रहती हैं। लीव्स बहुत ही ग्लॉसी और फुल ऑफ टेक्सचर्ड होती हैं और स्टेम रेड कलर का होता है। फिलोडेंड्रन प्रिंस ऑफ ऑरेंज की ग्लॉसी ब्राइट ऑरेंज लीव्स होती है। हालांकि ये धीरे धीरे डीप ग्रीन कलर में बदल जाती है लेकिन इसके जो स्टेम है वो डार्क ऑरेंज कलर का रहता है और नई लीव्स जो ऑरेंज कलर की होती हैं और पुरानी लीव्स ये सब मिल करके और काफ़ी एक अच्छा डिस्प्ले ऑफ कलर्स बन जाता है। नियोन फिलोडेंड्रन जो कि मनी प्लांट जैसा दिखता है, नियोन कलर की इसकी लीव्स होती हैं। आगे से काफ़ी नुकीली होती है जो कि मनी प्लांट से अलग है और ये भी एक एरियल रूट्स वाला प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में मोस्टली लगाया जाता है। मोंस्टेरा या स्विस चीज प्लांट, अब इसके बारे में तो काफ़ी बातें हो चुकी है और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है प्लांट, तो इस आप सभी ने देखा ही होगा कि हर जगह पर आप जहां पर भी देखेंगे मोंस्टेरा की लीव्स का टेक्सचर ही आपको मिलेगा या प्रिंट या डिज़ाइन, और लगभग हर घर में आजकल ये प्लांट पाया जाने लगा है। तो ये थी कुछ फिलोडेंड्रन प्लांट्स की सुंदर वैरायटीज। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।